नमस्कार, मैं आज आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग के बारे में बताऊंगा, यानी वर्ग और आयत की गिनती कैसे करें। इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले मैं एक छोटे फिगर से बताऊंगा, तो आपको ट्रिक्स के साथ बड़े फिगर कराएंगे। तो आइए देखते हैं एक फिगर, इसमें वर्ग की संख्या कितनी, यानी स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, चार छोटे वाले हो गए और एक बड़ा वाला, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और रेक्टेंगल यानी आयत की बात करें, तो एक चीज़ यहाँ आप देखने की बात है कि आयत की परिभाषा क्या होती है, कि जिसकी कुछ लंबाई हो और कुछ चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, जो उसका कुछ लेंथ और कुछ ब्रेथ हो तो उसे आयत कहते हैं। और वर्ग की परिभाषा यानी कि स्क्वायर की परिभाषा ये होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ सेम हो। तो हम कह सकते हैं वर्ग भी आयत है। तो आयत, पहले आयत काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो रेक्टेंगल 4 हो गया। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं दोनों को ऐड करके बताएंगे, या 9। अगर आपसे पूछेगा केवल वन रेक्टेंगल, केवल आयत बताएं, तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर पूछे तो 5। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक के साथ, सॉल्व करेंगे अगले फिगर को। तो आइए देखते हैं स्क्वायर वर्ग इसमें बतानी है। तो छोटे छोटे फिगर को तो हम काउंट करके बता सकते हैं, बड़े फिगर के लिए भी ट्रिक चाहिए, उस ट्रिक को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो स्क्वायर अगर आ जाए तो इसमें हम क्या करना है कि इस नीचे जो है बेस में इसके जितने खाने हैं उसमें काउंट लिखनी है, 1, 2, और इसको स्क्वायर कर देनी है, 1² + 2² + 1+4 = 5। नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर इज 5। अब अगले फिगर को देखते हैं, इतने बेस में वही काम करेंगे, 1, 2, 3, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 1² + 2² + 3² + 1+4 + 9। अगर फिर वो देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 1 स्क्वायर लगाएंगे सब पे, तो 1² + 2² + 3² + 4² = 1+4 + 9 + 16 = 30। तो अब स्क्वायर हो गए। अब रेक्टेंगल में आते हैं, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए रेक्टेंगल का यानी कि स्क्वायर रेक्टेंगल ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐड करके यानी कि रेक्टेंगल बतानी है। तो इसका ट्रिक्स ये है कि इसमें भी बेस में काउंट लिखेंगे, 1, 2, और इसे क्यू कर देंगे, यानी इसे घन निकालेंगे, तो 1Q 2Q ऐड कर देंगे, 1Q 2Q, 1+8 = 9। जैसा मैंने पहले बताया था, मैं यहाँ देखिए 4, 9 हो गया। आप इस फिगर में देखेंगे, 1, 2, 3, अब इसको घन करेंगे, क्यू करेंगे, 1Q + 2Q + 3, 1+4+9। यहाँ पे क्यू में 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 27, तो यहाँ पे 8 होगा, तो 36 आएगा। और इस फिगर में मुझे रेक्टेंगल पूछ दे तो मैं वही करेंगे, क्यू करेंगे, यानी कि देखिए देखते हैं, 1Q + 2Q + 3Q + 4Q, 1, 8, 27 + 64 = 100। यानी इस वाले फिगर में मुझे रेक्टेंगल पूछे तो इसमें 100 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और जानने की बात है, अगर इस फिगर में ऐसा फिगर दे और पूछे ओनली रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना है, तो हम स्क्वायर जो है
इसमें से स्क्वायर को घटाएंगे यानी कि 9, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4, 5 कहाँ से आया? 9 तो मैंने इसका क्यूब निकाल दिया यानी कि इसमें रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल बता दिए। तो वन रेक्टेंगल क्या आएगा, तो इसको स्क्वायर को घटाएंगे यानी स्क्वायर इसमें पता करेंगे, इसमें स्क्वायर कितना होगा। तो इस ऐसा सेम फिगर ऊपर है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1² + 2² = 5। 5 पे यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 आंसर, 4 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट ऐसा फिगर आएगा, कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें जाननी है कि रो किसे कहेंगे, कॉलम किसे कहेंगे। ठीक है, ऐसे जितना बनाया है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या होगा कि इसे हम लोग रो कहेंगे। और ऐसे ऊपर से जो आएगा यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल को कॉलम कहेंगे। रो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल हो गया हॉरिजेंटल रो, एंड वर्टिकल को कॉलम, कॉलम। इसमें क्या करना है मुझे कि इसे काउंट कर नहीं पाएंगे बिना ट्रिक्स के, तो हो नहीं पाएगा। इसमें इसका ट्रिक्स ये है कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल सॉरी, नंबर ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए मैं आर इंटू सी यानी रो इंटू कॉलम, रो आइए काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इजिकल टू 35। अब इसमें क्या करना है कि एक माइनस कर देना है, -1, तो यहाँ कितना जाएगा, 4 × 6, दोनों से दोनों में माइनस करना है, ये चीज़ दोनों में अप्लाई होगा, तो हो जाएगा 36 नहीं 24 सॉरी। फिर अगले में इसमें -1 करेंगे, तो 3 × इससे माइनस होगा 5, 15। फिर अगले में -1 करेंगे, 2 × 4 = 8। फिर अगले में -1 करेंगे, 1 × 3। कब तक -1 करेंगे, जब तक दोनों में से किसी में एक ना आ जाए। 3 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर इज 85। 35, 20, 24, 15, 8, 3 ऐड, जब इसको ऐड करेंगे तो 85 आएगा। द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर इज 85 इज द राइट आंसर। अब आइए, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो आपसे वादा किया था कि मैंने इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग और ट्रायंगल बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें हम आते हैं, ये फिगर देखिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट दिस फिगर, इसमें देखें, मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन वीडियो में बताया था कि जब किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में क्रॉस हो, नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 8। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पे देखिए क्रॉस बन रहा है, इसे हम इस स्क्वायर में क्रॉस है, तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल 8, और इसमें जब जो फिगर ऐड होता है, जैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना राइज हो रहा है, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, फिर 4, 12। इन दिस फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 12। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, इस फिगर को ध्यान से देखें, जब आपको मैंने बताया था ट्रायंगल में अगर बीच से कट हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 3, 1, 2, इसको हमने ऐड किया था, 1 + 2। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए, इस बड़े वाले फिगर में बीच में कट है, तो ट्रायंगल हो जाएगा 3। अब देखें ध्यान से, इस फिगर में
इसमें देखें ध्यान से, तो इसमें वैसा ही बन रहा है, ये देखिए वैसा ही ट्रायंगल बन रहा है एक, और इसमें बीच से कट है, तो ऐसा है, इसमें तीन फिगर बन रहा है, एक यहाँ और एक फिर नीचे बेस में, ये देखिए। तो इसमें थ्री तीन तीन छः और तीन मिल 9 हो जाएगा, 9। अब देखेंगे इसमें कि यहाँ पे और ट्रेंगल्स में बनेंगे कितने, ये काउंट कीजिए। इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी ये ट्रेंगल, ध्यान दीजिए, ये 1। फिर वैसा ही इससे वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है 2। फिर इसके वर्टेक्स से इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है 3। तो फिर एक्स्ट्रा ट्रेंगल बनेगा 3 6। इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिगर 4 आ रहा है, देखिए कैसे, 1 2 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। अब ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 16। अगले फिगर को देंगे, मैंने इसमें बताया था कि क्रॉस जब आएगा तो इसमें 8 बनेंगे, 8 8। तो ऊपर वाले फिगर में इसमें 8 और 8 है, यहाँ पे देखिए 9 10। तो एक फिगर यहाँ बनता है 1 2, ऊपर वाले में क्रॉस में जब 8 बनता है तो 16 प्लस 2 18 ट्रायंगल इसमें होगा इसमें। और फिर फिगर जब जुड़ता है, जैसे कि ऐसे में ऐसे फिगर इसमें ऐड हो रहा है, तो तीन 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 बन के बनेंगे 1 2 1 2, तो हो गया 3 प्लस 3 इजकल टू 6। अब इसके बाद देखेंगे कि इस फिगर के जुटने से 4 फिगर एक्स्ट्रा बन रहा है, ये काउंट, ये देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या है 28। अगले फिगर को देखेंगे, इस फिगर में देखें, ये फिगर नीचे वाले फिगर मैंने हमने पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, क्रॉस होगा तो 8 9 10 11 12, फिर वहाँ से 1 2 3 4 16। इस फिगर में 16 ट्रायंगल होंगे। फिर ऊपर हमने देखे तो 1 2, इसमें 3 आएंगे, 3 ट्रायंगल, और ये दोनों फिगर जुड़ने से 2 नया ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे, 1 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 21। अब नेक्स्ट फिगर को देखेंगे, फिगर नंबर 5। इसमें देखें, इसमें भी भाई एक क्रॉस वाली बात आ रही है, इस फिगर में क्रॉस बन रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 8। और इस बड़े फिगर को देखें, इसमें बीच से कट है इस ट्रायंगल में, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 3 और 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा है, 2 13। दिस फिगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आर नंबर ऑफ ट्रायंगल आर 13। अब अगला मेरा वीडियो जो होगा वो होगा अल्फ़ाबेट नंबर रिमेंबर विद इन 3 मिनट। ये सबसे बात है, 3 मिनट के अंदर मैं आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद करने सिखाऊंगा, और मेरे वीडियो आते रहेंगे ढेर सारे चैप्टर्स टॉपिक्स पे। नए वीडियो और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।